हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आज आपको हम बताने वाले पीएफ से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों अगर आपको भी आपके यूएएन पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको मैसेज आ रहा है, एक एरर शो हो रहा है, तो इस एरर का हम आपको सोल्यूशन देंगे। ये बहुत ज्यादातर लोगों को आ रहा है। जो इस एरर में लिखा हुआ है हम आपको बता देते हैं, आधार इज नॉट अवेलेबल आपका अगेंस्ट यूएएन काइंडली सेडेड आधार थ्रोग एम्प्लॉयर। मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका जो आधार कार्ड की डिटेल है वह आपके यूएनए के साथ मैच नहीं हो रही है, आप अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करिए और उसको सुधार करिए या अपडेट करिए। तो ये बोल रहा है, तो इसका हम आपको सोल्यूशन पूरा देंगे इस वीडियो में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा और आपको ये एरर नहीं आएगा, आपका काम हो जाएगा, आप भी अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हो आराम से, आप अपने यूएनए पासवर्ड से लॉग इन हो पाओगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो गूगल में ईपीएफओ टाइप कर देना है और उसके बाद में आप इस पेज पर आ जाओगे और अब आपको यहां पर दिख रहा होगा यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो आपको इस फोल्डर पर क्लिक कर देना है, यूएनए जहां पर लिख रहा है इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो और आप अपने यूएनए और पासवर्ड को डालते हो वहां पर, तो ऑप्शन में यहां से दिखाने की कोशिश करता हूं, यहां पर ये ऑप्शन आ जाता है। तो इस ऑप्शन के अंदर आपको यहां पर एक कोने में देखेगा थ्री डॉट, तो थ्री डॉट पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहां पर लिख रहा है डेस्कटॉप साइट मोड, तो यहां पर मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं, यहाँ पे ये फोल्डर आ जाता है। तो इस फोल्डर के अंदर हमको अपना यूएएन जो हमारा 12 डिजिट का होता है वह हमको यहाँ पर डालना होता है और जो हमारे पास पासवर्ड है वह यहाँ डालना होता है और ये कैप्चा होता है, इस कैप्चा को हमको इस ऑप्शन में डालना होता है और साइन इन पर क्लिक करना होता है। तो हमारे पास जो हमारा यूएनए नंबर है, पासवर्ड है, उसको डाल के हम यहाँ से साइन इन हो जाते हैं। और दरअसल ज्यादातर मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ लोगों के यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर एक उनको मैसेज आता है इस जगह पर, मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर दिखाने की, यहाँ पर उनको एक एरर शो हो जाता है इस जगह पर, आप उनको एक एरर शो होता है, मैं आपको बता भी चुका हूँ इस एरर का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, आपको ध्यान से देखना, यहाँ पर एक एरर आएगा जैसे मैं अपना यूएनए पासवर्ड डाल के लॉग इन होऊंगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यूएनए मैंने डाल दिया है, पासवर्ड भी डाल दिया है, ये कैप्चा जो नजर आ रहा है इस कैप्चा को मैं डाल चुका हूँ और साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ और आप यहां देख सकते हो वह एरर हमको शो हो गया है। मैं आपको बोल भी रहा था यहां पर हमको एक एरर शो हो रहा है, तो ये एरर आ चुका है और यहां पर लिखा हुआ है आधार इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट यूएएन काइंडली सेडेड आधार थ्रोग एम्प्लॉयर। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका आधार है उसकी जो डिटेल आपने दे रखी है ईपीएफओ के पास जो जा चुकी है वह उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आपने कर लिया है, अब प्रेजेंट में अपडेट करा है कुछ ना कुछ, तो वो जो आपकी डिटेल उनके पास है और आपके जो ईपीएफओ का जो रिकॉर्ड है वह सेम नहीं है, मतलब कि जो प्रेजेंट में आपका यूआईडीएआई का जो आधार कार्ड होता है उसकी डिटेल प्रेजेंट की और ईपीएफओ के अंदर जो रिकॉर्ड है उसका आपका डाटा सेम नहीं है। यहाँ पर यह बोल रहा है, ये लिख के आ रहा है कि आपकी जो डिटेल है वह सही नहीं है, तो आधार की डिटेल यूएनए के साथ मैच नहीं है। तो आपको करना क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ, अब इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, जो आपने आधार कार्ड को अपडेट करवाया है उस आधार कार्ड की डिटेल को देख लेना है और उसका एक फोटोकॉपी आपको करा लेना है और आपको अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करना है। अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करने के बाद में आपको उनसे पूछना है कि आप अपने एचआर से भी पूछ सकते हो या एम्प्लॉयर से पूछ सकते हो, उनसे पूछ के ये कहना है कि जो मेरा यूएएन और पीएफ के साथ जो डिटेल है मेरी है आपने उसको सेव कर रखा है तो उसको मेरे को बताइए, क्योंकि मेरा आधार कार्ड की जो डिटेल है वह प्रेजेंट में इस प्रकार की है, तो इस डिटेल को आपको उसके साथ मैच करना है और आपको देखना है कि आपके यूएएन और या पीएफ के साथ जो डिटेल है वह सेम होना चाहिए, दोनों के साथ ही आपको दोनों मैच करने के बाद में आपको उनको देखना है, तभी जाके आप अपना सॉल्यूशन कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपके आधार कार्ड की डिटेल और पीएफ की डिटेल और यूएनए की डिटेल सेम नहीं होगी तब तक आप अपना पीएफ ना तो विड्रॉल कर पाओगे और ना ही उसका आपका समाधान होगा किसी प्रकार का। तो आपका जो पीएफ की डिटेल है और यूएनए की डिटेल है उसके अंदर आपको नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ और आपको जो एड्रेस वगैरह होता है उसको आपको चेक करना है, उसको चेक करने के बाद में आपका पीएफ की डिटेल और आधार कार्ड डिटेल मतलब आपको समझ में होगा यही सेम होना चाहिए, नेम, फादर नेम और जो डिटेल होती है डेट ऑफ बर्थ की, सबसे ज्यादा इशू इसी का आता है, तो दोनों सेम होना चाहिए। और आपको अगर नहीं है तो आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के, एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसको भर के आपको
आधार कार्ड के साथ करेक्ट डिटेल और रॉन्ग डिटेल में आपको लिख देना है, और उसके बाद आपको एक बार अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करके, एचआर से संपर्क करके उस फोटोकॉपी को आपको जमा कर देना है और उस पर कंपनी का मोहर या सील लगवा के ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर और उसको जमा कर देना है एचआर या एम्प्लॉयर के पास। उसके बाद वह आपका ईपीएफओ ऑफिस के थ्रू वह सही हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो आपका इसके बाद आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा और आप भी अपना पीएफ विड्रॉल कर पाओगे और यह एरर आपको शो नहीं होगा, इसका एरर का यही समाधान है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस मुझे आपको यही सिखाना था कि आजकल जिस व्यक्ति का जो पीएफ मेंबर है उनका ज्यादातर इस प्रकार का एरर चल रहा है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ आधार कार्ड में अपडेट करवाया है, और या फिर अपडेट नहीं करवाया तो उनका पीएफ की जो डिटेल है उसके अंदर नाम में कुछ ना कुछ कमी है या डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ कमी है या फादर नेम में भी कमी हो सकती है। तो इस प्रकार से यह एरर आपको आता है, तो इसका सोल्यूशन आपको मिल चुका होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।